शिव महापुराण में वर्णन आता है कि जब नारद जी ने बताया कि सती जी आपसे इतना प्रेम करती थी कि पिता के यज्ञ में उन्होंने आपका जब सम्मान नहीं देखा तो वे आपको हृदय में धारण करके वहीं पर उन्होंने शरीर का त्याग कर दिया। भगवान शिव को बड़ा क्रोध आया है और गणों को भेजा है। कुंडे समोत्रियन केचित दुदबिर बेदी मेखला, कुछ लोगों ने कुंड को अपवित्र किया, वेदी मेखलाएं जो बनी हुई थी उनको तोड़ डाला। रुजुर यज्ञ पात्राणी, जो यज्ञ पात्र के तोड़ डाले सबको, चाक्षुष के दांतों को तोड़ डाला, सूर्य के चक्षुओं को ने नष्ट भ्रष्ट किया, भृगु की दाढ़ी बना ली। और जो ही दक्ष को देखा भगवान से उनका पकड़ो इसको इसी बात, और देखते ही देखते उसके गले को काट दिया गया। पृथ्वी कपकपा रही थी, देवता लोग दौड़े दौड़े गए भगवान नारायण के पास, महाराज आप कुछ करो, भगवान शिव कुपित हैं, संगवा करो थी शंकराय, संघार कर डालेंगे, संघार के देवता है। भगवान विष्णु जी ने प्रार्थना की है कि शक्ति के आप संरक्षक हो, अगर आप नहीं रहोगे तो कैसे होगा। महाराज दक्ष के बिना सृष्टि रह नहीं सकती, इसका रहना बहुत आवश्यक है सृष्टि को चलाने के लिए। भगवान शंकर जी शांत हुए, कहा ये जो भी पहले प्राणी मिले उसको पकड़ के लाओ, उसके गले को जोड़ दो। क्या गजब का ऑपरेशन, वो मैं बहुत करता था इसलिए बकरे का ही सिर लगा दिया। और ये बात ये बताती कि ज्यादा मैं करोगे ना तो अगले जन्म में तुम बकरा बनने वाले हो, आज से नोट करके लिख लो, मैंने ये किया, मैं वो करता हूँ, मेरे बिना ये नहीं सकता, मेरे बिना वो नहीं हो सकता, ज्यादा तुमने मैं की तो बस मैं ही करोगे अगली बार। ये दक्ष मैं ही करता था। सुमहाराज उसको बकरे का सिर जोड़ा गया और उसके बाद में फिर वहां पर यज्ञ किया गया। और उसके बाद में भगवान शिव सती जी के शरीर को लेकर के तीर्थ तीर्थ में गए हैं विष्णु जी के द्वारा। फिर उनके शरीर के एक एक अंग जहां जहां गल करके गिरता रहा है तेज प्रकाश के कारण, वहां वहां पर 52 शक्ति पीठों की स्थापना हुई। अभी मैं पंजाब कथा करने गया था, हिमाचल, पंजाब भी गया था, हिमाचल भी गया था। जो YouTube में देखते होंगे, देखो YouTube को आप सब्सक्राइब करो तो आपको पता नहीं कहां कहां के संतों के दर्शन होंगे, कितनी कथाएं आपको सुनने को मिलेंगी। कथा एक ही जैसी थोड़ी होती है, बदल जाती है कथा, अपने नए नए अवतार में आती है। अब ये शंकर जी का चरित्र होता तो है लेकिन आज पूरे अवतार में है वो, हाँ। इसलिए जो है भगवान की जो मंगलमयी कथा है इसको स्वामी राम कमलदास वेदांती नाम का जो चैनल है ना उसको आप सब्सक्राइब करो तो उसको आपको जहाँ कथा होगी बस कथा शुरू। यहाँ 7 तारीख को कथा पूरी होगी और दूसरी जगह 11 से वाराणसी के उस पार मसोई से फिर आप रात्रि का नजारा देखिएगा, वहां भी कथा चलेगी, प्रतिवर्ष होती है। इसलिए जहां पर कथा छोड़ी होगी मुझे याद नहीं है, वो लोग बताएंगे महाराज इस जगह आपने कथा छोड़ी थी, वहीं से आगे कथा शुरू हो जाएगी। कथा सुनने स्वामी राम कमलदास वेदांती वैसे लिखोगे आ जाएगा तो उसको सब्सक्राइब कर लेना चाहिए ताकि आपको पता लगे। तो मैं जब वहां ऊना हिमाचल में गया, कथा वहां पर चल रही थी तो वहां माता ज्वाला देवी जी का निमंत्रण आ गया। अब दूसरे के मुख से कहलवाएं तो माता ही तो कहती कहा महाराज जी चलो ज्वाला देवी जी, तो हमारे बड़े अच्छे संत वहां पर माधवानंद जी, परम पूज्य श्री ऊना वाले महाराज जी, बाल जी संत गूगल में डालो तो उनका फोटो वोटो सब आ जाए, बहुत सिद्ध संत हैं, गांव गांव में धर्म की उन्होंने ज्योति जलाई हुई है। उनके शिष्य माधवानंद जी हमें लेकर के गए वहां पर, अत्यंत दिव्यतम माता ज्वाला जी का, कहते हैं ज्वाला आज भी वहां उतर आती है ज्वाला देवी, जो पीपल का पेड़ लगा है उसके पत्तों पर ज्योतियां आ जाती हैं। शीत पुजारियों ने, 2-3 पुजारियों ने बताया उनकी उंगलियों पर ज्योतियां आ जाती हैं, प्रत्यक्ष दर्शी है, एक नहीं 3-4, अगर एक बात कहे तो वह चलो हो सकता है गप्पी होगा, 3-4 लोगों ने बताया कि महाराज ये पेड़ चमक उठते हैं रात में ज्वाला देवी, तो वो जो ज्वाला वहां पर उन्होंने छोड़ी। तो ऐसे सती जी ने जहां जहां पर जहां उन्होंने आंखें छोड़ी हैं उसका नाम है विशालाक्षा, वो कहां पर है वाराणसी में है। इसलिए जहां जहां उन्होंने अंगुली जहां पर छोड़ी है तीर्थराज प्रयाग में,
तो 52 शक्ति पीठों की स्थापना वहां पर हुई, और उसके बाद में शरीर जब छूट गया, भगवान से वो बहुत रोते हैं, उनको राम के वियोग में रोते हैं, सती जी के वियोग में नहीं। इस बात का दुख होता है कि हे इष्ट देव क्षमा कर देना, मेरी पत्नी को मैं दुनिया को समझा लेना बड़ा आसान होता है, लेकिन अपनी पत्नी को समझाना बड़ा कठिन। हम नहीं समझा पाए उनको, और उन्होंने आपकी परीक्षा ली, इसलिए राम जी के वियोग में रोते हैं, और बनाटवियों में, तीर्थों में, पत्थरों में, पहाड़ों में बाबा विश्वनाथ जी चलते हैं, और चलते चलते राम उनकी छवि में आ जाते। कई बार तो भगवान विश्वनाथ जी राम के वियोग में गिर भी पड़ते हैं, उठते हैं और फिर राम के लिए रोते हैं। जब याद राम की आती है तो वो विकल होकर के स्थिति होती है।